हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन योर यूट्यूब चैनल द आर एस कैंपस बाय केडी शर्मा, जहाँ पे आज हम कक्षा 8 के गणित विषय में चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पूछा है कि योग संक्रिया किए बिना योग फल ज्ञात कीजिए। आपको जो संख्याएं दी हुई है इनको जोड़ना है, लेकिन अपन जिस प्रकार जोड़ते हैं 1, 3, 5 इस प्रकार से इनको योग नहीं करना है। पहली बात, ये सभी देखो विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो जब भी विषम संख्याओं को योग करना हो और वो भी बिना किसी योग संक्रिया के, मतलब किसी भी मेथड जो अपना होता है जोड़ने का उसको किए बगैर डायरेक्ट कैसे निकालें, तो जब भी विषम संख्याओं का योग पूछे, विषम संख्याओं का योग पूछ ले, तो आपको क्या करना है, उन विषम संख्याओं को आप n मानिए और उनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। कितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहां 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा अपना आंसर। जोड़ के देख लो, 5, 3, 8, 7, 1, 8, 8, 16, 8, 24, 25, ये अपना आंसर आ गया। इधर देखो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 का क्या कर देंगे इधर, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अपना होता है 100, ये अपना आंसर आ गया। इधर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 144, ये अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपको, स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखिए। आपके पास 49 है, ये कैसे आए, 7 का स्क्वायर किया तब आए, तो विषम संख्याओं के रूप में, तो विषम संख्याओं के रूप में देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इनका योग करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ये कितने हो गए, 13, 4, 1, 1, 2, 9, 9 और 4, 13, 33, 7, 3, 10, 43 और 5, 1, 6, 43 और 6, 49, सेम बात है। मतलब ये जो 7 संख्याएं होगी इनका योग कितना है, 49। तो 49 को अपन को क्या लिखना था कि 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इसका देखते हैं दूसरा पार्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका होगा। जो दूसरा है उसमें क्या पूछ रहा है, 121 को, 121 को क्या करना है, 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो 11 का स्क्वायर है ये, ठीक है, तो 11 संख्याएं लिख लो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 11 संख्या हो गई। इनका योग किसके बराबर है, 11 के स्क्वायर के बराबर कितने हैं, 121, ये अपने आंसर हो गए। इधर हल कर देंगे इसको, तो ये अपने आंसर आ गए। जो 11 का स्क्वायर था 121 को क्या करना था, 11 विषम संख्याओं में क्या लिखना था, 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना था। तो 11 विषम संख्याएं ये रही अपनी, इन संख्याओं के रूप में लिखना था जो अपन ने लिख दिया। इस प्रकार से आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास, जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं अपने मोबाइल में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और उसको ऑल नोटिफिकेशन पे रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।